बागेश्वर जिले में प्राधिकरण के नोटिस से परेशान होकर युवक के आत्महत्या करने के मामले में विकास प्राधिकरण सामने आया। विकास प्राधिकरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। प्राधिकरण सचिव राहुल गोयल ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए विकास प्राधिकरण के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिससे प्राधिकरण की छवि खराब हो रही है। इसके साथ ही प्राधिकरण सचिव ने बताया कि मोहल्ला कठायत बाड़ा निवासी शख्स ने जो आत्महत्या की है, उसमें प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं है। पूरा मामला अवैध निर्माण का है। मृतक शख्स ने प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसे प्राधिकरण ने रोक दिया था। उन्होंने बताया कि इस आत्महत्या के मामले को प्राधिकरण से जोड़ना गलत है। राहुल गोयल ने बताया कि मृतक की तरफ से भवन निर्माण की स्वीकृति का कोई आवेदन प्राधिकरण को नहीं मिला था। इसके साथ ही जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि जमीन के स्वामित्व में मृतक या उनके किसी परिजनों का नाम नहीं है। निकट दो एक दिनों में प्राधिकरण के संबंध में एक नेगेटिव छवि सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आई है कि प्राधिकरण के नोटिस के कारण किसी अमुक व्यक्ति द्वारा जो है आत्महत्या जैसी उसको आत्महत्या स्टेप उठाना पड़ा। तो उसके संबंध में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं को अवगत कराया गया है कि उनका कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं था कि जो उन्होंने नक्शा पास के लिए हमारे प्राधिकरण में लगाया हो और प्राधिकरण में वो लंबित रहा हो या फिर नक्शा पास ना हुआ हो, ऐसा कोई भी मामला नहीं था। जो मामला था वो शिकायती पत्र के क्रम में शुरुआत हुई। उसकी शिकायती पत्र जो है उनके आस पड़ोस के लोगों ने ही दिया, जिसके क्रम में जांच हुई। जांच में ये पाया गया कि उनके द्वारा बिना प्राधिकरण की अनुमति के जो है सेकंड फ्लोर पर काम किया जा रहा था। दरअसल देवकी नंदन के नए बने मकान को विकास प्राधिकरण ने एक साल पहले सीज कर दिया था, जिसका डीएम कोर्ट में मामला चल रहा था। जिसके बाद कुछ दिन पहले कठायत बाड़ा वार्ड के देवकी नंदन ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी प्राधिकरण के खिलाफ नाराजगी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।